हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई एम कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि गांव में कैसे रोटियाँ बनाई जाती है चूल्हे पे। तो चलो, ये हम पहुँच चुके हैं और भाई ये रहा अपना चूल्हा। तो यहाँ पे बनाई जाएगी रोटी और वहाँ पे है लकड़ी, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें आटा रहता है और भाई यहाँ से बाहर हमारा छत है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आटा गूंदेंगे और फिर जाकर बनाएंगे खाना। चलो गाइस, पहले तो आग जला लेते हैं। यहाँ से ले जाएंगे हम लोग लकड़ी और ये रहा अपना चूल्हा। ये वो हथियार है जिससे हमें आग जलाने में इजी पड़ेगा। इसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है तितना। तो इससे जल्दी आग जल जाती है और थोड़ी लकड़ियाँ यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलो आग जला लेते हैं। आटा तो पहले का बचा हुआ है तो गूंदने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करा जाता है सब कुछ। तो यार गाइस, यहाँ पर हमारी आग जल चुकी है। इस तरह का कुछ चूल्हा है और यहाँ पर हमारी सामग्री और उसके अलावा यहाँ पर आटा जो बचा हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं खाना बनाने को। और ये भाई तवा, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो गाइज रोटियां रेडी है और अपनी आग भी रेडी है। तो चलो पकाते हैं रोटियों को। तो भाई ये है मेरी गोल कलर की, कलर नहीं, गोल सर्कल की रोटी। मैं कलर बोल रहा हूँ। भाई तवा कुछ ज्यादा ही गर्म लग रहा है। तो ये अपनी दूसरी रोटी ये यहाँ पे डाली जाएगी। और गाइस फिर थोड़ा पकने देंगे। और ये तो तुम्हें पता ही होगा, चिमटा इसका यूज किया जाएगा। पर मैं चिमटे का यूज बड़ा कम करता हूँ यार, क्योंकि मुझे मजा आता है हाथ के साथ करने में। तो थोड़ा सा पकने देते हैं इनको। तब तक तुम देख लो भाई, खिड़की के बाहर यहाँ से कोई भी नजारा नहीं नजर में आ रहा है। सो गाइस, तुम देख सकते हो रोटी अब आधी पक चुकी है। अब आती है मेन पकाने की बारी, जो हम यहाँ से रोटी उठाएंगे और लेके जाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा आग को साइड कर लेते हैं क्योंकि जल ना जाए, और इस रोटी को तब तक चेंज कर लूँ। और भाई रोटी देखो कैसी हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि भाई मैं अच्छा कुक बन सकता हूँ। देख सकते हो तुम लोग। सो गाइस, एक रोटी अपनी तैयार है जिसको रखा जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर। और दूसरी रोटी का भी लग रहा है मुझे कि अब मेन पकाने की बारी आ चुकी है। तो इसको लेके जाएगा यहाँ पे और अब देखते हैं ये कैसी बनती है। सो गाइस, रोटी तो अपनी तैयार है, अब रहती है ये आग। तो सबसे पहले हम इस तवे को रखेंगे
ऊपर और इस आग को बुझाना पड़ेगा। पहले तो चिमटे के साथ थोड़ा कर दे, इसकी आग को थोड़ा सा शांत कर ले। तो गाइस इनको यहाँ पे रखा जाएगा और अब लिया जाएगा पानी का कैन और डाल दो इसके ऊपर। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, कैसे खाना बनाया जाता है गांव में चूल्हों में। तो कमेंट करके बताना कि तुम्हें कैसी लगी वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, और प्लीज़ कमेंट करना, बताना कैसी लगी वीडियो और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।